एकवर वेलकम टू माय चैनल आज मैं देखें फिर से आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ही एक आसान और यूनिक किस्म का पैटर्न लाई हूँ ये देखें देखने में कितना ख़ूबसूरत लग रहा है ये पैटर्न हमारा सिक्स के मल्टीपल से है और ये फोर रोज पैटर्न है बहुत ही इजी सा आज का ये हमारा पैटर्न है इसको बनाना इंतहाई आसान है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखें छोटे छोटे फ्लावर नज़र आ रहे हैं और इसकी बैक से इस तरह है फ्रंट से ये देखें कितनी खूबसूरत लुक लग रही है तो इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए देखिए मैंने इधर फिफ्टीन स्टिचेज़ कास्ट ऑन किए हैं टू एजेस के और दरमियान में सिक्स प्लस सिक्स और एंड पे एक पैटर्न सेटिंग का है ये हमारी रो वन है सीधी साइड से रो वन बॉर्डर के पास बाद सीधी साइड से आपने रो वन सीधी साइड से यह पूरी आपने रो जो है सीधी सीधी निट करके कंप्लीट कर लेनी है बहुत ही ईजी सा आज का यह हमारा पैटर्न है इस ये देखें ये पूरी मैंने रो सीधी निट करते करते ये देखें मैंने कंप्लीट कर ली है ये रो वन है सीधी साइड से रो वन ये हमारी रो वन कंप्लीट हो चुकी है अब हम हैं सेकंड रो पे तो सेकंड रो उल्टी साइड सेकंड रो में आपने पूरी रो ये उल्टी उल्टी ही निट करनी है पहली रो सीधी सेकंड रो उल्टी ये पूरी आपने पूरे स्टिचेस को उल्टा बना लेना है ये देखें ये उल्टी उल्टी निट करते हमने ये भी रो अपनी कंप्लीट कर लेनी है ये पैटर्न हमारा आज खास्ता है कि इसको न्यू निटर भी इजीली निट कर सकते हैं ये हमारी इधर सेकंड रो उल्टी कंप्लीट हो चुकी है अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ तो थर्ड रो इस रो पे आपने पूरे ध्यान से तो जो देनी है ये देखें पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया अब इस एक को हमने पहले को सीधा निट किया धागा अपनी तरफ एक उल्टा अब इधर आपने ये देखना है ये जो तीन है इन तीनों को हमने इकट्ठा निट करना है उल्टा ही निट करना है इन तीनों को हमने इकट्ठा उल्टा निट किया अब बाल डाला ये देखिए बाल डाला सेकंड स्टिच हमारा बन गया अब उसी में से फिर से हमने नीडल डाल के थर्ड स्टिच को निकालना ये हमारे तीन में से तीन स्टिच पूरे हो गए हैं अब ये देखें पहला स्टिच हमने अजय चीज छोड़ के पकाया ये देखिए हमारे सिक्स इधर पूरे हो चुके हैं पैटर्न वाले अब फिर से एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है अब फिर से हमने धागा बैक किया रिपीट पैटर्न एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा अब आगे वाले तीन में से तीन को इकट्ठा नीट करके इनमें से तीन स्टिच हमने निकालने हैं एक निकाला बाल डाला सेकंड स्टिच हो गया फिर से इसी में नीडल डाल के तीसरा स्टिच हमने ये थ्री स्टिच हमारे पूरे हो गए फिर और आगे वाला फिर से हमने एक उल्टा ये हमारे सिक्स इधर पूरे हो चुके हैं ये देखें ये दो पैटर्न हमारे हो गए हैं अब धागा बैक किया एंड पे हमने फिर से एक सीधा पैटर्न सेटिंग का ये सीधा और लास्ट वाला हमने सीधा बुन के इसको इस थर्ड रो को हमने कंप्लीट कर लिया ये देखिए इधर हमारा पैटर्न माया होने लग गया है दिखाई दे रहा है अब चलते हैं फोर्थ रो की तरफ तो फोर्थ रो हमने पूरी फोर्थ रो जो है वो उल्टी उल्टी निट करनी है इसमें हमारी मेन एक ही रो है जिधर हमारा पैटर्न बनता है बकाया रो थ्री रोज जो है हमने सीधी उल्टी फिर चौथी रो फिर उल्टी थर्ड रो पे हमने ये पैटर्न अप्लाई की है वही तवजो वाली है तो आज का ये हमारा पैटर्न बहुत ही इजी सा हमारा आज का ये डिज़ाइन है ये देखिए ये हमारी ये फोर रो इधर कंप्लीट हो गई है ये देखें कितना ख़ूबसूरत सा ये हमारा ये डिज़ाइन नजर आ रहा है बस इन्हीं फोर रोज़ को आपने बार बार निट करते जाना है इन्हीं फोर रोज़ को इधर आपने बल्ट डालते वक्त अपना हाथ थोड़ा सा लूज रखना है तो तभी ये हमारा पैटर्न अच्छे से नज़र आएगा ये देखिए इन्हीं फोर रोज़ को बार बार रिपीट करते हुए ये देखिए मैंने इस तरह का पैटर्न तैयार कर लिया है ये देखिए कितना ख़ूबसूरत सा लग रहा है छोटे छोटे फ्लावर नज़र आ रहे हैं इस डिज़ाइन को आप किड्स जेंट्स लेडीज़ गर्ल्स हर हाँ तरह के प्रोजेक्ट पे अप्ला, अप्लाई कर सकते हैं कार्डिगन स्वीटर्स तो उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दुआओं में याद रखें मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ अल्लाह हाफिज़